ग्राम पंचायत डुग्गा के तहत साइंग गांव में दोपहर को भयंकर अग्निकांड हुआ। अग्निकांड में एक परिवार को 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अचानक दोपहर बाद मकान के ऊपरी मंजिल में आग लग गई। देखते ही देखते ऊपरी मंजिल के कमरों में रखे 4 डबल बेड, 4 सोफा सेट, रजाई, गद्दे, अलमारियां, कमरों की खिड़कियां, दरवाजे, वायरिंग व बाथरूम में लगा गीजर आग की चपेट में आकर जल गया है। आगजनी में संबंधित परिवार को 10 लाख का नुकसान आका गया है। जानकारी के अनुसार साई गांव के हरिचंद पुत्र स्वर्गीय गरीब राम उग्याल डाकघर डुग्गा तहसील जिला हमीरपुर के 2 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक से आग लग गई। आग लगने का पता तब चला जब ऊपरी मंजिला से धुआं सहित आग की लपटें निकलना शुरू हुई। आग लगने के बाद लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। दोपहर करीब 12 बजे आगजनी की ये घटना हुई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि समय पर हुई कार्रवाई के साथ लगते घरों को आग की चपेट में आने से बचाया गया है। अग्निशमन विभाग की लीडिंग फायरमैन देवेंद्र सिंह भाटिया ने बताया कि आगजनी में परिवार को 10 लाख का नुकसान हुआ है। रिहायशी मकान की ऊपरी मंजिल में रखा सामान जलकर राख हो गया है। इसमें कीमती वस्तुएं शामिल थी। हमीरपुर बस अड्डे पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे 100 पीस बनकर रह गए हैं और सुरक्षा को लेकर तीसरी आंख से की जा रही रिकॉर्डिंग मात्र औपचारिकता साबित हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार बस अड्डा परिसर के अंदर और बाहर 6 कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी कैमरा सही रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, जिससे बस अड्डा पर तीसरी आंख का पहरा ना मात्र ही है। गौरतलब है कि हमीरपुर बस अड्डा में दिन रात हजारों की तादाद में यात्री आवाजाही करते हैं और लोगों की भीड़ जमा रहती है। ऐसे में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों के जिम्मे छोड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हो रही है। कई बार लोगों के सामान गुम होने की सूरत में या फिर किसी दूसरी बड़ी घटना के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद काम आ सकती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में घटिया क्वालिटी होने से विभागीय प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भी गहरा रोष व्यक्त किया है। हमीरपुर बस अड्डा प्रभारी बस अड्डा पर लगाए गए कैमरों की क्वालिटी पर कुछ नहीं बता पाए और इतना ही कहा कि अभी और 5 कैमरे बस अड्डा में लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही खराब हो रही सीसीटीवी कैमरों की रिपेयर करवाई जाएगी। विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय समारोह पालमपुर में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व ईएस गुप्ता ने की। इस समारोह में कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों सहित प्रदेश के सभी जिलों के प्रधान सचिवों के अलावा 1500 पेंशनरों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर फोरम पदाधिकारियों व सदस्यों ने समस्याओं व मांगों पर विस्तार से अपने अपने विचार रखे तथा गहन विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अक्टूबर मास में लिए गए फैसले के अनुसार पेंशन का स्वयं भुगतान करने का कड़ा विरोध किया है। पेंशनर फोरम विद्युत बोर्ड द्वारा आनन फानन में लिए गए इस निर्णय की निंदा करता है तथा प्रबंधक वर्ग से पेंशन भुगतान की प्रचलित व्यवस्था को बहाल करने का आग्रह किया है। फोरम के अध्यक्ष सेवानिवृत्त ईएस गुप्ता ने कहा कि विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम हिमाचल प्रदेश की
प्रदेश स्तरीय समारोह कई वर्षों से लंबित पड़ी मांगों और समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि 70 या 80 साल की आयु के बाद पेंशनरों को जो 15% अलाउंस किया जाता है उसे मूल पेंशन में दिया जाए, जिसे सरकार और बोर्ड ने बड़े सालों से लटकाया हुआ है, और पेंशनरों को जो बढ़ी हुई पेंशन 1 अक्टूबर 2012 से दी जा रही है वह 1 जनवरी 2006 से दी जाए, जिसका कोर्ट ने आदेश दिया है।